तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था रीजनिंग में कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और हमने 10 क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक वही है, ब्लड रिलेशन वाला है ना, और हमें उसमें आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि जो बातें सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं पूरे चैप्टर में, अब आगे हमें क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। चलो, तो हमारा 11th क्वेश्चन है आज का, सॉरी 10th क्वेश्चन भी हमें देखना है ना। 10th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। साथ के साथ बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और फिर नहीं आता है तो फिर एक बार और रिवीजन करना है, ठीक है। चलो, ए बी का पिता है, तो जो ए है वो पिता है किसका? बी का, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता है। सी बी की पुत्री है, तो जो सी है वो पुत्री है किसकी? बी की, ठीक है। डी बी का भाई है, तो जो डी है वो भाई है किसका? बी का, ठीक है। ई ए का पुत्र है, तो जो ई है वो किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, तो जो ई है वो पुत्र है किसका? ए का, ठीक है। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि सी पुत्री है, तो इसकी या तो पिता होंगे या तो बी पिता होंगे, ठीक है। तो अगर बी पिता हुए, ठीक है, तो क्या होगा? पिता का भाई होगा, ठीक है। सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा? तो सी जो होगी वो क्या होगी? ई इसके पिता का भाई होगा, तो पिता का भाई होता है चाचा, ठीक है। पिता का भाई होता है चाचा, और जो वो कहलाती है उनकी भतीजी, ठीक है। वहीं अगर ये रिलेशन मम्मी की तरफ से होगा, कि अगर मान लो बी है जो वो है माता, तो फिर क्या होगा? ये आपके मामा होंगे, ठीक है। तो मामा और नातिन का रिलेशन होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, भाई बहन हो नहीं सकता है ना, भाई और बहन ये हो नहीं सकते हैं। चचेरा भाई बहन भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाई और बहन एक साथ में आते हैं, मतलब एक पीढ़ी में आते हैं। पीढ़ी का गैप कभी भी भाई बहन में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन को देखो, भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा, ठीक है। तो ये जो है ये भतीजी है, और जो ई है ये कौन है? चाचा है, ठीक है। अच्छा, चाचा और चाची भी नहीं हो सकते हैं ना। चाचा और चाची मान लो ये कोई पर्सन होता और इसकी कोई शादी कराते, तो फिर ये आपस में इसके लिए चाचा और चाची होते, ठीक है। पर रिलेशन हमें इसका और इसका पता करना है, तो केवल एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, वो कौन सा है? हमारा भतीजी और चाचा का रिलेशन। अरे समझ में आया? ठीक है, तो मेन सर ट्री बनाना हमें आना चाहिए। अगर हमें ट्री बनाना आ गया तो हमारे क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इनको ध्यान से हमें सीखना है। क्वेश्चन में बोला है सी बी की पत्नी है, तो जो सी है वो पत्नी होगी किसकी? बी की, तो सॉरी सी बी की पत्नी है, ठीक है। तो सी पत्नी होगी किसकी? बी की, और बीच में साइन आएगा सर प्लस का। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पार्ट वन को नहीं देखा है, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता हूँ। पर ये ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो देखने के बाद ही हम अगली वीडियो को देखें, ठीक है। देखो, हमने कल ये सीखा था कि जो मेल पर्सन होगा, ठीक है, यानी पुरुष के लिए हम इसका साइन का यूज करेंगे, महिला के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। भाई बहन के लिए बीच में कोई साइन नहीं आएगा, और पति और पत्नी के लिए बीच में हमें प्लस साइन लगाना है, ठीक है। पीढ़ी में पिता ऊपर होते हैं, पुत्र नीचे होते हैं, ठीक है। भाई बहन एक साथ आएंगे, ठीक है। चाचा चाची एक रिलेशन में आएंगे, ठीक है, यानी कि उनमें कोई भी पीढ़ी की गैप नहीं होती है। तो पति पत्नी में कोई भी पीढ़ी की गैप नहीं होती है। सी बी की पत्नी है। ई जो है वो सी का बेटा है, तो जो ई है वो बेटा है किसका? सी का, तो सी के नीचे आएगा, ठीक है। ए बी का भाई है, तो जो ए है वो भाई है किसका? बी का। तो डी और डी का पिता है, तो मैंने आपको कल ये भी सिखाया था, और वर्ड फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ए बी का भाई है और डी का पिता है, इसका मतलब ए जो है वो डी का पिता है, तो डी यहाँ पे आएगा, तो ए जो है वो डी का पिता है। तब
ई का डी से क्या संबंध है, तब ई का डी से क्या संबंध है, तो ऑप्शन वाइज देखते हैं। देखो माता का रिलेशन हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है माता का रिलेशन, क्योंकि माता के रिलेशन में जनरेशन का गैप होना चाहिए, माता के रिलेशन में जनरेशन का गैप होना चाहिए, तो इसने पूछा किसका है, ई का, ठीक है, तो ई का, तो ई वैसे भी पुरुष है तो माता हो नहीं सकता है, ई पुरुष है तो बहन भी नहीं हो सकता है, अच्छा ई भाई भी नहीं हो सकता है, भाई के लिए ये डी को यहाँ पे होना था, भाई के लिए ये डी को यहाँ होना था, क्योंकि जो भाई होता है वो सगे भाई बहन के लिए भाई वर्ड यूज होगा जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो भाई सर हो नहीं सकता है, ठीक है, तो बचा सर चचेरा भाई, तो देखो चचेरा भाई ये हो सकता है ना, ई जो है वो चचेरा भाई हो सकता है, तो ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है। देखो चचेरा भाई कैसे हुआ, इसके जो पापा है और इसके जो पापा है वो आपस में भाई है, मतलब आपके पापा और आपका जो अंकल का लड़का है उसके पापा, ठीक है, तो आपके पापा और उसके पापा आपस में क्या हो गए, भाई, तो देखो इसके ये पापा है, इसके ये पापा है और ये दोनों पापा आपस में क्या है, भाई है, तो इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, चचेरे भाई हो गए, अरे क्लियर है, मतलब ये इसके चाचा का लड़का है, ये इसके चाचा का लड़का है। मैंने आपको ये भी समझाया था कोई भी बड़े पापा का रिलेशन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, तो हमेशा बड़े छोटा भाई बोले चाहे बड़ा भाई बोले हमें चाचा लेके चलना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी है ना, क्वेश्चन को साथ के साथ ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो हमें प्रयास ये करना है कि हम खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, एम जो है वो पी का पुत्र है, तो जो एम है वो पुत्र है किसका, पी का, एम जो है वो पुत्र है किसका, पी का, ठीक है, क्यू ओ की पोती है, ठीक है, अब इसको लिख नहीं सकते क्यों की पोती है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं डायग्राम में, मैं भी ये ऊपर जा सकता है, एम जो है वो पुत्र है किसका सर, पी का, ओके है यहाँ तक, क्यू ओ की पोती है, तो देखो ना तो यहाँ पे डायग्राम में अभी क्यू आया है ना ओ आया है, तो अभी इसको छोड़ो, जो मैंने आपको बताया था जो वर्ड हमेशा सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, जो या जब की वर्ड जब भी आएगा वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होगा, जो पी का पति है इसका मतलब जो ओ है वो किसका पति है, पी का पति है, तो जो ओ है वो पति है किसका, पी का, तो जो पी आएगी वो सर्कल में बंद होगी और जो आएगी वो त्रिभुज में बंद होगी और इनके बीच में साइन आएगा सर प्लस का, अरे क्लियर हुआ, देखो ओ पी का पति है, ओ पी का पति है मतलब पी पत्नी है ओ पति है, ठीक है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, अभी हमने एक रिलेशन को डिफाइन नहीं किया है, इसको क्यू जो है वो ओ की पोती है, क्यू जो है वो ओ की पोती है, तो देखो इसकी पोती कैसे हो सकती है, ओ की पोती, तो ओ का कोई बेटा होगा और बेटे की कोई बेटी होगी, वो इस ओ के लिए क्या होगी, पोती होगी, तो जो क्यू है वो ओ की पोती है, तो देखो इसके पापा और इसके पापा की मम्मी, तो इस मम्मी के लिए ये कौन होगी, पोती, ठीक है, तो हमें रिलेशन पूछा है एम का ओ से क्या संबंध है, इसका मतलब सर हमें एम के बारे में पूछा गया है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब एम सर है बेटा, एम सर है बेटा, तो बेटे का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर, पुत्र, ठीक है, तो ए ऑप्शन बैठेगा, देखो एम पुरुष है तो बेटी तो हो ही नहीं सकता है, माता भी नहीं हो सकता है, पिता हो सकता है लेकिन पिता है नहीं, पिता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया है, तो एम जो है वो का पुत्र है, ठीक है, तो अगर एम ऊपर होता पीढ़ी में तो पिता हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन भी क्रॉस, अरे क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, हमें साथ के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और साथ के साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, क्लियर है ये बात, चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है ना, तो एक बार आप खुद से ट्राई करने के लिए प्रयास करें फिर वीडियो को देखें, ठीक है, खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चन को, है ना, जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब हमें समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। चलो एक्स और वाई भाई है, तो देखो एक्स और वाई आपस में क्या हो गए सर, भाई हो गए, तो भाई के बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा लेकिन दोनों त्रिभुज में बंद किए जाएंगे, ठीक है, आर वाई का पिता है, तो जो आर है वो पिता है किसका, वाई का पिता है, एस टी का भाई है, जो एस है वो टी का भाई है, तो न तो यहाँ पे एस दिख रहा है ना टी दिख रहा है, ओर वर्ड, तो ओर वर्ड सर रिप्रेजेंट करेगा किसको, फर्स्ट को, तो एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, इसका मतलब सर एस जो है वो किसका मामा है, एक्स का मामा है, तो जो एस है वो किसका मामा है सर, एक्स का, तो एक्स के मामा को आप कैसे बनाओगे, एक्स के मामा को आप कैसे बनाओगे, तो सर एक्स है, एक्स के
कोई मम्मी होगी और मम्मी का कोई भाई होगा, एक्स की मम्मी इसके एक्स के पिता आर फिक्स हो गए, तो इनकी कोई पत्नी होगी जो एक्स की मम्मी होगी, और इन मम्मी का क्या होगा, एस एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा मतलब इसका भाई होगा, तो वो भाई कौन है सर, एस। वो भाई कौन है सर, एस। अरे क्लियर हुआ ये रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया है, मैं वापस समझा रहा हूँ। एक्स और वाई भाई है, तो एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, तो जो आर है वो वाई का पिता है, इसका मतलब आर एक्स का भी पिता है क्योंकि ये दोनों भाई है। एस टी का भाई है, तो अभी एस टी का भाई हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ये पता चला एस भाई है, एस टी का भाई है मतलब एस पुरुष है, इतना पता है, और एस एक्स का मामा है, और वर्ड फर्स्ट के लिए यूज होगा, तो मतलब और की जगह हम एस लिख सकते हैं, तो एस एक्स का मामा है, तो एक्स के मामा को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि एक्स की मम्मी है और मम्मी का भाई है, आपकी मम्मी का भाई आपके लिए मामा कहलाएगा, ठीक है, तो एस एक्स का मामा है। अब इस रिलेशन को डिफाइन कर दो, एस टी का भाई है, तो जो एस है ना वो किसका भाई है, टी का, तो या तो टी इसकी बहन हो सकती है, या तो टी इसकी बहन हो सकती है, तो टी का भाई दिख रहा है एस, या फिर सर एक कंडीशन और बन सकती है कि ये एस है, ये इसकी कोई बहन है, ये इसका कोई भाई है, और भाई के दोनों पुत्र हैं, वाई और एक्स, वाई और एक्स, ठीक है, तो या तो एस टी का भाई है, ठीक है, तो या तो टी ये हो या टी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, तो भी एस जो है वो टी का भाई होगा, यानी कि तीन भाई बहन भी हो सकती है, दो भाई बहन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सर ऑप्शंस पे, ठीक है। तो हमें रिलेशन पूछा है, तब टी का आर से क्या संबंध है, इसका मतलब सर हमें टी के बारे में बताना है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो आर के लिए ये जो टी है ये पत्नी है, इस केस में ये क्या आएगी सर, पत्नी आएगी, लेकिन इस केस में देखो इसकी कोई पत्नी है हमें नहीं पता है, लेकिन इस पत्नी का ये भाई भी हो सकता है, और इस पत्नी का ये इसकी पत्नी का भाई भी हो सकता है, ये इसकी पत्नी की बहन भी हो सकती है, टी का जेंडर इस केस में हमें पता नहीं है, तो सर यहाँ पे ये जो टी है ना ये या तो साला होगा या साली होगी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशंस बन रही है, टी अगर ये केस हम मानते हैं तो टी डायरेक्ट पत्नी हो जाएगी, लेकिन अगर ये केस उठाते हैं तो टी या तो साला होगी या साली होगी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर माता नहीं हो सकता है, पत्नी हो सकता है, बहन नहीं हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है, तो सर ऑप्शन इस वाली कंडीशन से निकल रहा है जो कि क्या है सर, पत्नी, क्लियर है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसा होता, मान लो ई ऑप्शन में बना देता हूं कि या तो पत्नी है या साला है या साली है, तो इस केस में सर हमारा आंसर ई करेक्ट होता, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ई पत्नी है, ई साला है या ई साली है, हमें तीनों में से एक चूज करना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अभी तो पत्नी सही हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन आपको ये मिलता है तो हमें फिर ये वाला लगाना पड़ेगा। अरे क्लियर हुआ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, है ना, यदि पी क्यू का पति है, ठीक है, यदि पी क्यू का पति है, तो सर पी को क्यू का पति बना दो, ठीक है, यदि पी जो है वो पति है किसका, क्यू का, मतलब सर क्यू पत्नी है प्लस आएगा और पी पति है, ठीक है, एक एक रिलेशन को डिफाइन करना है, पूरे क्वेश्चन को साथ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो पी क्यू का पति है, ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि ये क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, और आर एस और क्यू की माता है, ठीक है, आर जो है वो माता है, आर जो है वो माता है किसकी, एस और क्यू की, तो क्यू की माता तो आर दिख ही रही है, लेकिन एस यहाँ पे आएगा, तो आर जो है वो एस और क्यू की माता है, अभी हमें क्यू तो पता है, क्यू कौन है, क्यू बेटी है, ठीक है, फीमेल है, लेकिन एस का पता अभी तक नहीं चला है, ठीक है, तो अपने को ऐसे ही रखना है इसको, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो पी का बताना है पी कौन है, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो पी सर दिख रहा है बेटा, पी सर दिख रहा है बेटा, पी सर दिख रहा है बेटा, ठीक है, तो सर बेटा नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बताओ, क्योंकि ये जो आर है ना ये माता पी की नहीं है, ये माता है क्यू की, ठीक है, तो सर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है, तो हमें पी के बारे में बताना है, तो देखो आर से पी कैसे रिलेशन हो रहा है, आप हो,
आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी की मम्मी है, ठीक है, मैं हूँ, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की मम्मी, तो मेरी वाइफ की मम्मी मेरे लिए क्या लगेगी, सास, और उनके लिए मैं क्या लगूंगा, दामाद, ठीक है। तो यहाँ पे सर आंसर आएगा दामाद, यहाँ पे सर आंसर आएगा दामाद। देखो माता हो नहीं सकता है क्योंकि सेम रिलेशन में है नहीं, ठीक है, बहन हो नहीं सकता है क्योंकि सेम रिलेशन में नहीं है, ठीक है, माता तो हो भी नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पी पुरुष है और माता कैसे हो सकता है, पी पुरुष है तो माता नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मौसी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पी पुरुष है, तो सर एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है सर, दामाद। अरे क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लेना साथ के साथ, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो तो अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ठीक है, चलो अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े, है ना, तो इनको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट में जैसे बता रहा हूं वैसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे क्या कहना है सर, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, ओके, सी का चाचा लेखक भी है, तो सर सी का चाचा जो है वो लेखक भी है, तो सी के चाचा बना दो सी होगा, सी के कोई पिता होंगे सर और पिता का कोई भाई होगा और वही कौन है, बी, तो सी के चाचा लेखक भी है, तो सी के पिता बनाए सर, पिता का भाई बनाया, तो सी के लिए वो पिता का भाई क्या होगा, चाचा होगा, ठीक है। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री कौन है, सी, ठीक है, अब ए की पुत्री कैसे बनाओगे, ठीक है, आखिरी में पूछा है ए से बी किस प्रकार संबंधित है, ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो अभी फिलहाल हमें ये वाला रिलेशन बनाना है, ए की पुत्री सी है, तो जो सी है ना वो पुत्री है किसकी, ए की, तो जो सर ए या तो ये हो सकता है, या ए इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो, या ए ये हो सकता है, तो ए की पुत्री सी है, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता है कि ये ए पुरुष है या ए महिला है, ये भी कंडीशन बन सकती है सर, कि ये देखो दोनों केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैसे हो रही है, एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सी का चाचा लेखक भी है, तो सी का चाचा लेखक भी है यानी कि इसके पिता का भाई है, ठीक है। चलो ए की पुत्री सी है, अब ये इस कंडीशन में दो कंडीशन बन रही है, देखो इस केस में भी ए की पुत्री कौन दिख रही है, सी, और इस केस में भी ए की पुत्री कौन दिख रही है, सी, और बाकी सी के चाचा लेखक बी भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो हमें संबंध बताना है ए और बी के बीच में, ठीक है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, इसका कहने का मतलब है ए का बी से क्या संबंध है, इस लाइन का मतलब है ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध दिख रहा है सर, भाई वाला रिलेशन दिख रहा है, तो सर बहन हो नहीं सकता है, पिता हो नहीं सकता है, चाचा हो नहीं सकता है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है सर, भाई, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो ए का बी से क्या संबंध है, तो सर इस केस में दिख रहा है ए कौन दिख रही है आपको, तो ए सर दिख रही है, ए का बी से क्या संबंध है, तो सर बी है, मैं हूं, मैं हूं, मेरा भाई है और मेरे भाई की वाइफ, मैं हूं, मेरा भाई है, मेरे भाई की वाइफ, ठीक है, तो इस केस में ए भाई या बहन नहीं आएगा, आ रही बात समझ में, हमें इस कंडीशन से ए और बी भाई बहन दिख रहे हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में भाई बहन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर कौन सी सही हुई कंडीशन, ये वाली सही हुई, क्लियर है, ठीक है। लगभग केसेस में एक ही कंडीशन बनती है एग्जाम में, पर हमें दोनों लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार हम ये बना देते हैं और ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमें फिर दूसरी कंडीशन बनानी पड़ती है, देखो इस केस में आपको कंडीशन मिल ही नहीं रही है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट में ये बनाओगे तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस वाली से हो रही है, आ रही बात समझ में, तो हमें दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस केस में सर ए का रिलेशन क्या आएगा, बी से, तो सर ए होगी वो भाभी होगी, कौन होगी, भाभी, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो चलो अगले क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए करो, सर ए बी का भाई है, ठीक है, तो ए बी का भाई बना दो जल्दी से, ए बी का भाई है, ठीक है, तो सर ये बना दिया ए और इसको भाई बना दिया किसका, बी का, ठीक है, बी पता नहीं है कौन है, बी पता नहीं है कि सर ये बी भाई है या बी बहन है, ठीक है। सी ए की माता है, तो जो सी है वो माता है किसकी सर, ए की, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है वो सी का पिता है, तो जो डी है वो पिता है किसका, सी का। एफ ए का पुत्र है, तो जो एफ है
वो ए का पुत्र है, तो जो एफ है वो ए का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तब एफ का डी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है एफ के बारे में। किसके बारे में बताना है, एफ के बारे में, कि एफ कौन है, किससे रिलेशन निकालना है सर, डी से। किससे रिलेशन निकालना है, डी से, ठीक है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ कौन आ रहा है सर, तो एफ परपोता आ रहा है। कौन आ रहा है सर, परपोता, एफ परपोता आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो पोती हो नहीं सकता है, पोता हो नहीं सकता है, पुत्र हो नहीं सकता है, तो सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, परपोता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। चलो इसको बनाते हैं। ए बी सी डी एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, तो सर सदस्यों की संख्या है 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब सर मेल और फीमेल दोनों की संख्या कितनी है सर, 3। मेल और फीमेल दोनों की संख्या कितनी है सर, 3 है, ठीक है। ए और ई एफ के बेटे हैं, तो सर एफ है, और एफ के बेटे कौन कौन है सर, ए और ई। एफ के बेटे कौन कौन है सर, ए और ई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। बी ए का पुत्र है, तो जो बी वो पुत्र है किसका, ए का। अब आप यहां से समझो कि हमारे पास 6 सदस्य थे जिसमें से 3 पुरुष होने चाहिए, तो ए ई और बी तीनों पुरुष हो गए, तो सर बचे हुआ कौन कौन है, बी बचा है, ठीक है, सॉरी बी नहीं बचा है, सी बचा है, सी बचा है, ठीक है, एक तो सी बचा है, ठीक है, और एक डी बचा है और एक एफ बचा है, तो 100% ये तीनों महिलाएं होगी, 100% ये तीनों महिलाएं होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 6 सदस्य हैं जिसमें से पुरुष भी 3 हैं, महिलाएं भी 3 हैं, तो सर पुरुष ऑलरेडी 3 हो गए, तो ये 100% महिला होगी, ये 100% महिला होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी 2 बच्चों की माँ है, डी 2 बच्चों की माँ है, तो सर अगर मैं डी को यहां रखता हूं, अगर मैं डी को यहां रखता हूं, और ये हमें पता है कि ये कौन है सर, तो ये महिला है, तो देखो इस पुत्र की 2 माताएं हो गई, या तो ये मौसी होगी इसकी, या ये माता है तो ये मौसी होगी, 100% इसकी सिस्टर होगी, ठीक है। और डी 2 बच्चों की माँ हो भी नहीं सकती है, क्योंकि सर 1 2 3 4 5 हमने डिफाइन कर दिया, एक ही बचा है, तो ए को कहाँ रखे कि डी का है कोई 2 बच्चों की माँ हो जाए, ठीक है, तो सर डी को हम यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा डी का 2 कंडीशन दी है, डी 2 बच्चों की माँ है और जिसमें से एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए, तो हमें बताइए सर सी कंफर्म लड़की है, तो देखो अगर मैं डी की शादी इससे करा दूं और सी को यहाँ रख दूं, सी को यहाँ रख दूं, तो देखो डी 2 बच्चों की माँ दिख रही है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो आप सी को यहाँ ही रख सकते हो, डी को यहाँ रख सकते हो। जब हमने ऊपर रखने की कोशिश करी थी तब ये 2 बच्चों की माँ नहीं बन रही थी, ठीक है, तो डी 2 बच्चों की माँ है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सर सी जो है ना वो ए की क्या दिख रही है, तो सी का संबंध क्या है सर, बेटी। सी का संबंध क्या है सर, बेटी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे क्लियर है, कोई डाउट है क्या, ठीक है। साथ के साथ चीजों को समझना है, ये हमने डायग्राम कैसे बनाया है, एक बार खुद से क्वेश्चन करेंगे तब ये डायग्राम खुद से बनाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं 18th क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। तो सर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो सीखना है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, तो सर प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, तो मैंने ये 4 भाई बना दिए, लेकिन देखो इसके लिए 3 ही भाई हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 4 भाई चाहिए, लेकिन इसको गिन रही तो कितने भाई हो रहे हैं, 3, यानी कि सर एक और बनाना पड़ेगा। अब देखो इस बच्चे के लिए कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, इसके लिए 1 2 3 4 भाई हैं, इसके लिए 1 2 3 4 भाई हैं, इसके लिए 1 2 3 4 भाई हैं, इसके लिए भी कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, तो सर हमने यहाँ तक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है क्वेश्चन पढ़ते से ही, ठीक है, ठीक है। और 3 बहनें हैं, तो एक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, ठीक है, तो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, न्यूनतम, ठीक है, तो एक बच्चे के सर 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तो इस बच्चे के लिए ओके है, इस बच्चे के लिए देखो 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं,
इस बच्चे के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए देखो चार भाई तीन बहनें दिख रही, इसके लिए भी दिख रही, इसके लिए भी दिख रही है। लेकिन जब इस वाले के लिए आओगे तो इसके लिए कम से कम चार भाई है, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम कितने चाहिए सर? चार। तो एक दो तीन चार भाई तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहनें दो दिख रही है, तो एक बहन और लेना पड़ेगा। तो अब कंडीशन सेटिस्फाई है, इसके लिए भी चार भाई है कम से कम और तीन बहन है, चार भाई है और तीन बहन है, ठीक है। तो सारी कंडीशन हमने, इसके लिए भी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। तो सर कितने सदस्य हो रहे? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। तो आंसर आएगा सर नौ। अब किसी का कहना होगा सर एक और बच्चा बढ़ा देते तो क्या दिक्कत थी? तो हमें सर लेना है न्यूनतम, हमें संख्या लेनी है न्यूनतम, ठीक है। तो हमने न्यूनतम नौ से अगर हमने कम लिए तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें मिनिमम कितनी संख्या लेनी पड़ेगी? इनकी नौ संख्या लेनी पड़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट? आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे, यहाँ पे तीन भाई करेंगे और यहाँ पे दो बहनें करेंगे, तो इस केस का आंसर कितना होगा सर? तो एक बच्चे के कम से कम तीन भाई हैं, तो तीन भाई बना दो, लेकिन इसके लिए दो ही भाई हो रहे, तो एक भाई और हो गया, और दो बहनें हैं तो सर दो बहनें बना दो, लेकिन इसके लिए एक ही बहन होगी, तो एक बहन, तो इस केस का आंसर कितना हो जाएगा सर? चार और तीन सात, ठीक है। तो इस केस में आंसर कितना होगा? सात, जब हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। तो सर आते हैं अब 19th क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये सारे यूनिक क्वेश्चन है ना, इनको विशेष हमें दो तीन बार प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा हमें दो से तीन बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देने के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो कोई आंसर देगा 20 22, ऐसा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, तो सर एक दादाजी बनाती है और एक दादी जी बना दिए, एक दादा है और एक दादी है, ओके है। दो पिता और दो माताएं हैं, ठीक है, तो दो पिता यानी कि इसका एक बेटा बना दो, तो ये एक पिता और ये दो पिता हो गए, और दो माताएं हैं यानी कि सर इसकी भी शादी करा दो, तो दो पिता हैं और दो माताएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली लाइन हमने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में सर चार बच्चे हैं, तो परिवार में सर चार बच्चे हैं, तो देखो इसके लिए अभी एक ही बच्चा हुआ है ना, तो हमें कितने बच्चे चाहिए सर? चार। तो सर इसके और बच्चे बनाओ, तो एक दो तीन, तो सर एक दो तीन चार, चार बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए? चार बच्चे हो गए। अच्छा किसी का कहना होगा सर बच्चे यहाँ क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगली लाइन पढ़ो आप, तीन पोते पोती हैं, तो इसके लिए देखो एक दो और तीन पोते पोती हो गए, ठीक है। अभी हम ये हमने ऐसे ही बनाया है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि पुरुष ही, इनका आकार हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं केवल यहां तक के लिए। जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें चेंजेस होगा, ठीक है। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, एक परिवार में एक दादा है और एक दादी है, तो एक दादा और एक दादी बना दिए। दो पिता और दो माताएं हैं, तो इसको पिता बना दिया, ठीक है, तो ये एक पिता हो गया, ठीक है, एक तो ये पिता हो गया और इसका एक पुत्र बना दिया, तो ये भी पिता हो गया, और दो माताएं हैं तो ये दोनों माताएं बना दी, ठीक है, तो ये इसकी माता है और ये इसकी माता है, ठीक है। परिवार में चार बच्चे और तीन पोते पोती है, तो देखो अभी इसका एक बच्चा दिख रहा था, इसका एक बच्चा, दो बच्चे दिख रहे थे तो दो और बनाए, चार बच्चे हो गए, तीन पोते पोती चाहिए तो तीन पोते पोती हो गए, ठीक है। एक भाई है और दो बहने हैं, देखो एक भाई और दो बहने बनानी है, तो सर ये एक भाई है और इसकी इन दोनों को बहने बना दो, तो एक भाई है और दो बहने हैं, यहां तक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बेटे और दो बेटियां हैं, ठीक है, तो देखो इसका ये बेटा हो गया, इसका ये बेटा हो गया, दो बेटे हो रहे और दो बेटियां भी हो रही है, ठीक है। एक सास है और एक ससुर है, ठीक है, तो देखो इसके लिए ये एक सास हो गई, इसके लिए ये एक सास हो गई और इसके लिए ये एक ससुर हो गया, ठीक है। तो दो, एक सास है और एक ससुर है और एक पुत्र वधु है और एक पुत्र वधु है, ठीक है, तो एक सास और एक ससुर चाहिए, तो एक सास और एक ससुर है और इसके लिए ये इन दोनों के लिए ये क्या हो गई? पुत्र वधु है। तब परिवार में कितने सदस्य है? तो गिनो सर, एक दो तीन चार पांच छह और सात सदस्य आ रहे हैं, तो कितने सदस्य आ रहे हैं? सात सदस्य, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार और रीडिंग करेंगे और साथ के साथ समझेंगे। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, तो सर एक दादा है और एक दादी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ा हमने जब क्वेश्चन को, तो परिवार में दो पिता और दो माताएं हैं, तो देखो इसके लिए
इसको पिता बना दिया, ठीक है, मतलब ये इसका बेटा हो गया तो एक पिता हो गया, और इसका एक और बेटा बना दिया तो ये भी पिता हो गया, तो दो पिता हो गए, दो पिता हो गए, और ये माता है इसके लिए और ये माता है इसके लिए, तो दो माताएं हैं, ठीक है, दो दो पिता है, दो माताएं हैं, ठीक है। चलो आगे समझो, परिवार में चार बच्चे हैं, तो देखो अभी इस कंडीशन में हमें केवल एक ही बच्चा दिख रहा है वो ये है, तो तीन बच्चे और बनाने पड़ेंगे, तो एक दो और तीन बच्चे और बना दिए, तो तीन बच्चे ये और एक बच्चा है, तो चार बच्चे हैं, और तीन पोते पोती है, तो इसके लिए ये तीनों पोते पोती है, ठीक है, इसके लिए तीनों पोते पोती है, एक भाई और दो बहने हैं, तो एक भाई और दो बहने हैं, और दो बेटे और दो बेटियां हैं, तो ये दोनों बेटियां हैं इन दोनों के लिए, और ये इसके लिए ये बेटा है, इसके लिए ये बेटा है, तो दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं, एक सास और एक ससुर है, तो एक सास और एक ससुर है इसके लिए ये ससुर है, इसके लिए ये सास है, और एक पुत्र वधु है, तो इन दोनों के लिए ये पुत्र वधु है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है सर, 7। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है, क्लियर है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सर ये अगले क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इनको हमें बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। देखो अभी जो हम टाइप वन पढ़ रहे थे उसमें हमें पूरी की पूरी थ्योरी दी जाती है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन इसमें हमें ये अर्थ दिए जाएंगे, इसको बोलते हैं कोडेड, इसको क्या बोलते हैं कोडेड, मतलब हमें कोड दिया हुआ है कि ए प्लस बी को हमें क्या मानना है, ए माइनस बी को क्या मानना है, ए इंटू बी को क्या मानना है, और ए प्लस ए डिवाइड बाय बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बी को क्या मानना है, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है। देखो पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो जो पी है वो बहन है किसकी, क्यू की, पी क्यू की बहन है, ठीक है। हमने पी इंटू क्यू उठाया, लेकिन जो इंटू का अर्थ है वो इंटू का अर्थ हमें दिया हुआ है कि ये इसकी बहन है, ठीक है। चलो अब अगली लाइन उठाओ, क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर का अर्थ है सर क्यू आर की पुत्री है, क्यू माइनस आर का अर्थ है सर क्यू आर की पुत्री है, तो जो क्यू है वो पुत्री है किसकी, आर की, ठीक है। चलो आर प्लस एस, तो आर प्लस एस, आर एस का पिता है, तो जो आर है वो पिता है किसका, एस का, आर एस का पिता है, तो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा हमने सारा लिख दिया है। तो पी का एस से क्या संबंध है, तो पी एस आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, सॉरी ये भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, तो चूंकि हमें पी का पूछा है तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, ये बहने हो गई, ये एक भाई हो गया, लेकिन हमें कंफर्म पता है कि पी जो है वो क्या रहेगी, बहन रहेगी, तो इसका आंसर सर बी वाला सही होगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, क्योंकि हमें एस का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, एस भाई है या बहन है हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम केवल ये बता सकते हैं कि देखो पी जो है वो बहन है, क्यू है वो पी और क्यू बहने हैं, अब एस भी बहन हो गई तो तीनों बहने हो जाएगी, एस भाई हुआ तो ये भाई और दो बहन हो जाएगी, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें, अच्छा कोडेड इक्वेशन में इसी फॉर्मेट पे हमें ये आंसर देना है, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, उल्टा पूछा है, ठीक है, पहले पी का एस से पूछा था, तो सर इस केस में एस या तो भाई होगा या बहन होगा, या तो भाई होगा या बहन होगा, तो सर या तो भाई होगा या बहन होगा, एस का पी से क्या संबंध है, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन दिख रहा है, या तो भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलो चलो इसको इरेज करके नीचे बना देते हैं, ठीक है, हटाओ। चलो अगला क्वेश्चन हमें पूछा है इसी में, चलो दो ही क्वेश्चन थे इस पे, अब इसका बताना है हमें m का p से क्या संबंध है, तो m डिवाइड बाय n, m डिवाइड बाय n, तो सर हमें डिवाइड का मतलब देखना पड़ेगा, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, तो सर डिवाइड का अर्थ है
एम एन का पति है, एम डिवाइड एन का अर्थ होगा सर, एम डिवाइड एन का अर्थ होगा एम एन का पति है, एम एन का पति है, ठीक है। तो एम को एन का पति बना दू, तो एम जो है वो पति है किसका, एन का। तो पति और पत्नी के बीच में कौन सा साइन आएगा सर, प्लस का। एन माइनस आर, तो एन माइनस आर का अर्थ देखो, तो एन माइनस आर का अर्थ दिया हुआ है एन आर की पुत्री है, ठीक है, एन आर की पुत्री है। तो जो एन पुत्री है किसकी, आर की, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस पी, आर प्लस पी, तो आर प्लस पी का अर्थ दिया है हमें, आर प्लस पी का अर्थ दिया है आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। तो जो आर है वो पिता है किसका, पी का, यानी कि पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब क्वेश्चन ने पूछा है एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, ठीक है। चलो सोच के बताओ रिलेशन क्या आएगा, एम का पी से क्या संबंध है, रिलेशन निकाल के बताओ। चलो उम्मीद है सबने सही आंसर निकाला होगा, ठीक है। चलो अगर आप बाय ऑप्शन भी करोगे ना तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो एम जो है ना वो पुरुष है, एम जो है वो क्या है, पुरुष है। तो एम और पी का रिलेशन पूछा है, एम और पी का, ठीक है। तो देखो एम पी भाई नहीं हो सकते हैं, भाई के लिए सर साइन होना चाहिए ये एम और ये पी, ऐसा होना चाहिए तब भाई बहन होती है। तो ऐसा रिलेशन तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा इन दोनों में, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन कट हो गया सर, एम बहन भी नहीं हो सकती है, एम बहन भी नहीं हो सकती है। एम बहन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एम तो पहले ही पुरुष है और पुरुष बहन नहीं हो सकता है। अच्छा तीसरे ऑप्शन को देखो, चचेरा भाई, चचेरा भाई होता है कि इसके जो पिता है और इसके जो पिता है वो आपस में भाई है। तो ना तो इसके पिता का पता है ना इसके पिता का, ठीक है, इसके पिता का पता है लेकिन इसके पिता का पता नहीं है, ठीक है। और इस आर के लिए तो ये आर के लिए तो ये क्या हो गया, तो आर के लिए तो ये सर दामाद हो गया, ठीक है। तो ये एम और पी आपस में चचेरे भाई भी नहीं हो सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, जीजा। तो जीजा आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, देखो ये लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बहन और इसकी बहन का पति, तो आपकी सिस्टर का हस्बैंड, आपकी सिस्टर का हस्बैंड आपके लिए क्या होगा, जीजा जी होंगे। तो एम कौन है सर, जीजा जी, ठीक है। अगर पी की बात करेंगे तो पी कौन होगा, तो या तो सर साला होगा या सर साली होगा, या तो साला होगा या साली होगा, क्योंकि पी का जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है ना। तो ये एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ कि आपको खुद से बनाने हैं, है ना। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है। चलो तो सर पी डॉलर क्यू का अर्थ है, पी क्यू की माँ है, ठीक है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू पी की पत्नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्यू पी की पत्नी है, ठीक है। तो सर क्यू जो है वो पत्नी है किसकी, पी की। उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, पी क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, पी एट द रेट क्यू को पढ़ेंगे क्यू पी की पत्नी है, उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे समझो, क्यू डॉलर एम, तो सर क्यू डॉलर एम, तो क्यू डॉलर एम, तो सर क्यू एम की माँ है, तो जो क्यू है वो माँ है किसकी, एम की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे समझो, एम हैश टी, तो एम हैश टी, तो एम टी का पिता है, तो जो एम है वो पिता है किसका सर, टी का, टी के बारे में हमें पता नहीं है। चलो तो पी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब हमें पी के बारे में बताना है, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी कौन है सर, तो पी कौन है, इसका कोई पुत्र है और इस पुत्र का कोई या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, टी का हमें पता नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है ये पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। तो पी के लिए इसके बेटे की लड़का, इसके बेटे का लड़का या इसके बेटे की लड़की, तो दोनों के लिए क्या होंगे, दादाजी होंगे, ये कौन होंगे सर, दादाजी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। अरे बना सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, ये तो हम फिर भी लेवल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पर एग्जाम में इतना लेवल भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको खुद से बनाना है, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, बना सकते हो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका अर्थ ऊपर से लिख लीजिएगा कि ए डॉलर बी का अर्थ क्या था, ठीक है, पी हेच क्यू का अर्थ क्या है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या
क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप समझा दिया है, अगर सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सर ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, कर सकते हैं ना, चलो करना है ये खुद से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इन क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है, ठीक है, ये एक और टाइप है इसी चैप्टर का, ठीक है, तो ध्यान से सीखना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वाला टाइप भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, पूछा जाएगा, हम भी कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है, तो हमें इन चारों को चेक करना पड़ेगा और चारों को चेक करने के बाद ये पता करना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें ये पता चले कि सी ए का पोता हो, सी ए का पोता हो, ठीक है। तो हमें सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा वन बाय वन, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सर हमें सारी कंडीशंस को चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। सी ए का पोता है, इसका मतलब सर सी मेल है, सी पुरुष है, तो वो ऑप्शन हटा दो जिसमें सी महिला हो, वो ऑप्शन हटा दो जिसमें सी महिला हो। तो सर हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे सी का पता करना है ना, तो इस वाले को उठाओ, सी परसेंटेज डी, तो सर सी परसेंटेज डी का मतलब है सी डी की पुत्री है, सी डी की पुत्री है, तो सर हमें सी तो पुरुष चाहिए और यहाँ पे सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी महिला आ रहा है, सी डी की पुत्री, इसका मतलब सी पुत्री है, तो सी पुत्री है और हमें क्या चाहिए सर, मेल, तो पहला ऑप्शन हटा दो, पहला चेक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा इसको चेक करो, सी डॉलर डी, तो सी डॉलर डी इसका अर्थ है सी डी की माँ है, तो सर वापस सी माँ हो गई, ठीक है, तो ये मेल नहीं है ये फीमेल है, तो दो ऑप्शन सर हमने काट दिए। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, सी एट द रेट ई, तो सी एट द रेट ई का मतलब है ई सी की पत्नी है, ई सी की पत्नी है, तो इसका मतलब सर इस बार सी पति है, ई सी की पत्नी है, मतलब इसका मतलब है सर ई पत्नी है और सी पति है, तो सर ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा इसको चेक करने से पहले आखिरी ऑप्शन को भी चेक कर लो, क्या इसमें ऑप्शन तो नहीं कट रहा है, डी एट द रेट सी, डी एट द रेट सी, डी एट द रेट सी, इसका मतलब है सर सी डी की पत्नी है, डी एट द रेट सी का मतलब है सर सी डी की पत्नी है, तो सर सी पत्नी हो गया और हमें चाहिए सी मेल, तो सर ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा केवल एक सेकेंड हमने मिस्टेक करी है, यहाँ पे पांच ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो हमने अभी सी एट द रेट डी को चेक किया था, तो सी एट द रेट डी का मतलब निकला था सी एट द रेट डी, तो डी सी की पत्नी है, डी सी की पत्नी है, तो तीसरे ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। अगले ऑप्शन के पास जाओ, सी एट द रेट ई, सी सी एट द रेट ई, तो जो ई है वो सी की पत्नी है, सर इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा आखिरी ऑप्शन के पास जाओ, डी एट द रेट सी, डी एट द रेट सी, इसका मतलब है सी डी की पत्नी है, तो ई वाला ऑप्शन कट गया, तो सर हमारे पास केवल दो ऑप्शन बच गए हैं जिनको हमें चेक करना है, इसका मतलब सर हमारे पास केवल दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हमें चेक करना है और उनमें से ये पता करना है कि किस कंडीशन में ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। कुछ समझ में आया, ठीक है, तो सर हमें वो ऑप्शन काटने हैं यहाँ से जिनमें सी, अगर यहाँ पे मेल आ रहा है तो फीमेल वाले काट दो, अगर यहाँ पे फीमेल आता है तो मेल वाले काट देना, ठीक है, दोनों कंडीशन है। तो सर अब हम सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर सी में नहीं निकला आंसर तो फिर कंफर्म हमारा आंसर डी होगा, यानी कि एग्जाम में 99% आपको केवल इनमें से एक ही ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर वो आपका आंसर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा आंसर होगा, ठीक है। चलो तो अब सर हम सी वाले क्वेश्चन को बना के देखते हैं, ठीक है, सी वाले ऑप्शन को, ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो सर ए पिता है किसका, बी का, कोई दिक्कत नहीं। बी हैज डी, बी बी हैज डी, तो बी डी का पिता है, तो बी पिता है किसका, डी का, ठीक है। आगे क्या बोला है, सी एट द रेट डी, तो सर सी एट द रेट डी, इसका मतलब है डी सी की पत्नी है, डी सी की पत्नी है, तो जो डी है वो पत्नी है किसकी, सी की, जो डी पत्नी है वो किसकी है, सी की, ठीक है। आखिरी में क्या बोला है, डी डॉलर ई, डी डॉलर ही, तो डी ई की माँ है, तो जो डी है वो माँ है किसकी, ई की। ये हमारा ट्री बन चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब ऑप्शन वेरीफाई करो, क्या सी ए का पोता आ रहा है, सी
ए का पोता आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करूं। तो आपने चेक किया होगा, तो सर सी जो है वो ए का पोता नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पत्नी है और पत्नी के पति, और फिर ऐसे रिलेशन जा रहा है, इसका मतलब सर सी ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिक डी वाला। ठीक है, तो सर बाकी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ए डी की बहन है, इसका मतलब सर इसमें ए बहन होगी, इसमें ए बहन होगी, तो वो ऑप्शंस कट जाएंगे जिसमें ए पुरुष निकलेगा। ठीक है, वो ऑप्शंस कट जाएंगे जिसमें ए पुरुष निकलेगा, और बाकी कोई ना कोई एक आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप खुद से घर पे बना पाए। चलो आगे करें। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो तो खुद से, है ना, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये भी सेम ही क्वेश्चंस है, ये हमें दिया गया है इनका कोड कि हमें इनको कैसे लिखना है। ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई करके बताना है यू का पी से क्या संबंध है। तो अभी हमने पहले ही ये वाले क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से ट्राई करना है आपको। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं, पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको नए क्वेश्चंस नहीं लाने पड़े, इनसे ही आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चलो तो 23 और इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी के आधार पे दिया गया है, ये वाला, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो तो ये आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट बचा है 24th नंबर का, जिसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये आखिरी हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, वो भी आपको पढ़ाना रहेगा। चलो, दिया है m प्लस एन का अर्थ है m n का भाई है, m प्लस एन का अर्थ है m n का भाई है। ठीक है, m n का पति है, सारी कंडीशन। अब हमें क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखे कि p जो है वो u का जीजा बन जाए, तो जो p है वो u का जीजा बन जाए। तो पहले जितना कंप्लीट हो रहा है ना ट्री, उतना कंप्लीट करो। p इंटू आर, तो p इंटू आर, p आर का पति है, तो सर p को बना दो, पी को बना दो आर का पति, तो पी को बना दो आर का पति, कोई दिक्कत नहीं, पी आर का पति है। ठीक है, आगे पढ़ो, आर प्लस टी, तो आर प्लस टी आर टी का भाई है, तो जो आर है, एक सेकेंड, पी इंटू आर, तो पी इंटू आर, पी आर का पति है, तो जो पी है वो आर का पति है, कोई दिक्कत नहीं, आर प्लस टी, तो आर टी का भाई है, आर टी का भाई है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मिस्टेक है ना, आर टी का भाई कैसे हो सकता है, आर तो बहन है, आर टी का भाई है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, एम प्लस एन, एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का भाई है, एम एन का पति है, एम एक आर टी की पुत्री है, आर। ओके 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 ओके, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये जो प्रिंटिंग करी है ना, ये मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यहाँ पे P इंटू आर डिवाइड T क्वेश्चन मार्क U, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन प्रिंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और यहाँ पे m प्लस एन नहीं आएगा, m डिवाइड एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो बार प्लस का साइन छपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है, P इंटू आर, P आर का पति है, आर डिवाइड टी, तो आर डिवाइड टी का मतलब है आर टी की पुत्री है, तो जो आर है वो पुत्री है किसकी, टी की, तो टी ऊपर आएगा, आर टी की पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी क्वेश्चन मार्क यू, ठीक है, और हमें साइन टी और यू के बीच में ऐसा लगाना है जिससे क्या हो, पी यू का जीजा बन जाए, जिससे क्या हो, पी यू का जीजा बन जाए। अब जीजा का मतलब क्या हुआ, यू का जीजा का मतलब क्या हुआ, कि यू की कोई सिस्टर होगी और सिस्टर का हस्बैंड होगा, यू की कोई सिस्टर होगी और सिस्टर का कोई हस्बैंड होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हमें हमेशा कैसे करना है, तो हमेशा हमें बाय ऑप्शन करना है, कैसे करना है, बाय ऑप्शन। अब आपने ऑप्शन वन उठाया और आपने प्लस साइन रख दिया, तो टी की जगह प्लस यू रखा, तो टी प्लस यू का अर्थ क्या होगा, टी यू का भाई है, तो जो टी है वो भाई हो जाएगा किसका, यू का। अब यहाँ पे चेक करो, क्या पी यू का जीजा बन रहा है, क्या पी यू का जीजा बन रहा है, सर नहीं बन रहा है,
जीजा का मतलब है सर इसकी जो वाइफ है इसका कोई भाई हो, मतलब सर यू यहाँ आना चाहिए, एक्चुअल में यू यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यू यहाँ आने के लिए कौन सी कंडीशन लगाए कि यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यू की स्पेस कहाँ होनी चाहिए सर, यहाँ पे, तभी तो पी जो है वो यू का जीजा बनेगा। तो सर पहले प्लस वाले से तो हो नहीं सकता है। अच्छा इंटू लगाओ, तो टी इंटू यू करो, तो टी इंटू यू का अर्थ है टी यू का पति है, तो जो टी है वो यू का पति है, टी जो है वो यू का पति है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो टी यू आएगा, फिर भी यू पी का जीजा नहीं बन रहा है, जो पी है वो यू का जीजा नहीं बन रहा है। तो सर ऑप्शन बी भी गलत है। अच्छा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी डिवाइड, तो डिवाइड करते टी, टी यू की पुत्री है, ठीक है, टी यू की पुत्री है, तो जो टी है वो यू की पुत्री है, ठीक है। जबकि यू तो टी तो पुत्र है ना, मतलब पुरुष है, तो ये तो पुत्री हो ही नहीं सकती। तो सर ऑप्शन सी भी गलत है, यानी कि सर हमारा ऑप्शन सही होगा सर डी वाला, तो टी एट द रेट यू, टी एट द रेट यू, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन सही बैठेगा जो कि हमने कर लिया है, क्लियर है। तो हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, है ना। और अब ये लास्ट क्वेश्चन एक टाइप का और बच गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म। तो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको करना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की एकलौती पुत्र वधु है। तो जो बोल रहा है ना वो आप खुद बन जाओ, वह मेरे, तो ये मेरे आप बन जाओ, तो मेरे पुत्र के दादा, तो मैं मेरे पुत्र के दादा, ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, ये उसके दादा है, मेरे पुत्र के दादा यानी कि मेरे पिता की एकलौती पुत्र वधु, तो इसके इनकी एकलौती पुत्र वधु कौन होगी, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि इसने बोला है वह मेरे पुत्र के, तो मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिता के एकलौती पुत्र वधु यानी कि उनका एकलौता पुत्र मैं और उनकी एकलौती पुत्र वधु मेरी वाइफ, ठीक है। तो ये रहा जिसने कहा था और ये रही वो महिला जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसकी तरफ इशारा किया गया था महिला की ओर इशारा करते हुए। तो पूछा है महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है वो है पत्नी, महिला जो है वो है पत्नी। आ रही बात समझ में। तो पॉइंटिंग फॉर्म सबसे इजी होता है, पर आपको समझ होनी चाहिए क्वेश्चंस की, क्लियर है, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इसको आप ट्राई करने के लिए कोशिश करें। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, अब वो इशारा तो महिला की तरफ कर रहा है लेकिन जो हमें बता रहा है वो महिला की माँ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा ना पहले, वो महिला की माँ का निकल के आएगा, महिला की माँ, ठीक है। तो जो आप आंसर इंडिकेट करोगे वो महिला की माँ के बारे में बताया जाएगा, न कि महिला के बारे में, क्योंकि महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ यानी कि महिला की माँ, तो इसका आंसर आएगा पहली बार में। तो अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, उसकी माँ मेरे, मेरे आप खुद बन जाओ, मेरे आप खुद बन जाओ, ठीक है। तो ये मैं बन गया, मेरे मेरे पुत्र, मेरा पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, की इकलौती पुत्र वधू, तो ये जो है ना ये महिला की माँ है, तो महिला कौन होगी, तो इसकी पुत्री होगी भाई, महिला की माँ ये रही, तो महिला की बेटी होगी, तो जो महिला होगी वो महिला की इसकी बेटी होगी, ठीक है। तो ये है वो महिला, ये है वो महिला, ठीक है। और जो हमें बताया गया था यहाँ पे, तो उसकी माँ का रिलेशन निकल गया था, ये रही महिला की माँ और ये रही वो महिला, ठीक है। तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप बना सकते थे लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये हो कैसे रहा है। तो बोला है महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो महिला है ना ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला बेटी है उसकी, बेटी, तो आंसर आएगा सर बेटी, क्लियर है, ठीक है। आप खुद इमेजिन करो कि महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, इस महिला की माँ,
उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है, ठीक है। तो जो पुत्र वधु आई ना, वो महिला की माँ ही है, तो महिला की माँ मेरी वाइफ है, तो महिला कौन होगी, मेरी बेटी होगी, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका बेटी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, वो आपको खुद से बनाने हैं। चलो चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दे देते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कल हम नया चैप्टर लेने वाले हैं, ठीक है। नया चैप्टर कैलेंडर लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, कैलेंडर, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो भी डाउट रहे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर हमारे ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 30 से, ठीक है। 31 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 31 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो खुद से ट्राई करना है और आंसर भी बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, मैं सभी के आंसर का रिप्लाई करूंगा। सही होगा तो भी रिप्लाई मिलेगा और गलत होगा तो भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनकी तरफ विशेष ध्यान दें, ठीक है। चलो 33 क्वेश्चन, ठीक है। जैसा आपको सिखाया है वैसे ही अप्लाई करना है पूरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो इतने कर लोगे तो सफिशियंट है, ओके। थैंक यू, गुड बाय।